जब पत्थर मारा हुआ तब तुम कहाँ थे? जॉब पर थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? अजीज शेख। आप कहाँ थे? आपको कहाँ से पकड़ा पुलिस ने? घर से ले गए थे आप? किस तारीख के? रात को बारह बजे आपको ले गए। अजीज सुबह को 10 बजे से शाम को 7:45 तक यहीं पे अवेलेबल था। अच्छा, 7:45 तक? 7:45 तक, यानी इफ्तारी के 15 मिनट पहले तक। हाँ, वो तो 7:45 तक इधर था, तो उसका तो ना माना ही नहीं चाहिए, ये तो रेंडम उठा लिया ऐसे लगता है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मैं सहल कुरेशी इस वक्त बड़ोड़ा में मौजूद हूँ, वडोदरा जिसे कहा जाता है। पिछले 2 दिनों से नेशनल मीडिया पर और हर जगह पर वडोदरा सुर्खियों में है, क्योंकि रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकली और जिस तरीके का जो हंगामा हुआ पिछले 2 सालों से, लगातार ऐसा लगता है कि एक पैटर्न बन चुका है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि कोई मज़हब, कोई धर्म बुरा नहीं होता। हाँ, हर धर्म में कुछ बुरे लोग ज़रूर होंगे जो उस धर्म को बदनाम करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ और हितेश भाई हमारे साथ में मौजूद हैं। हितेश भाई के पास मैं इसलिए आया हूँ कि कुछ लोगों पर आरोप लगा कि उन्होंने शोभा यात्रा पर पथराव किया, जबकि उस पक्ष के लोगों का कहना है कि पहले शोभा यात्रा में जो लोग थे उन्होंने कुछ उल्टा सीधा किया, पथराव किया, उसके बाद में फिर ये तमाम चीज़ें हुई। कोर्ट तय करेगी क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब कल जब इफ्तारी का वक्त था 7 बजे के करीब से पुलिस ने जो कॉम्बिंग शुरू किया रात को 1 बजे तक 2 बजे तक, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। 23 लोग तकरीबन बताए जा रहे हैं जिन्हें कोर्ट में आज पेश भी किया गया और उन्हें जमानत नहीं मिली है। दोबारा उनकी मामले पर सुनवाई होगी। 5 लोगों को 2 दिन का रिमांड पर भेज दिया गया है। उनमें एक लड़का है अजीज शेख, जिसको पुलिस ने कल रात को 12 बजे अपने घर में घुसकर उसको उठा लिया। कई वीडियो आए हैं, कई लोगों ने कहा कि पुलिस ने भी काफ़ी ज़्यादती की वहाँ पर। अब अजीज जिस दुकान में काम करता है, 21 साल का नौजवान लड़का है और हितेश भाई का ये शोरूम है और यहाँ पर अजीज काम करता है, नौकरी करता है। कुछ CCTV फुटेज भी आए जिसमें ये कहा गया, ये बताया गया कि जो अजीज है वो पूरा दिन इफ्तारी के 10 मिनट पहले तक वो यहाँ पर अपनी नौकरी पर था, जॉब पर था, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने उसको रायटिंग के मामले में, पथराव के मामले में गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश भी किया। जबकि ये जो मामला है पथराव का, ये तकरीबन 4:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का दरमियान का ये मामला है। हम बात करेंगे हितेश भाई से, वो खुद ही बताएंगे क्या है। हितेश भाई, आपने सुना तो होगा कि जो बड़ोड़ा में जो चीज़ें हुई, आपके यहीं का लड़का है अजीज, उसके CCTV फुटेज भी आए कि जिस वक्त वहाँ पर जो दंगे हो रहे थे, पथराव हो रहा था, उस वक्त अजीज यहाँ पर नौकरी पर मौजूद था। अजीज सुबह को 10 बजे से शाम को 7:45 तक यहीं पे अवेलेबल था। अच्छा, 7:45 तक? 7:45 तक, यानी इफ्तारी के 15 मिनट पहले तक। हाँ, आपके इसी शोरूम में ही था वो? हाँ जी। वो जो CCTV फुटेज वगैरह है वो सब सही है यानी? हाँ जी सर। तो आप क्या कहेंगे, जैसे पुलिस ने रात को 12 बजे घर में घुसकर ऐसे उसको उठा लिया, कोर्ट में पेश किया, जमानत भी अभी नहीं हुई है? सर वो तो गलत है, एक्चुअली वो तो 7:45 तक इधर था, तो उसका तो ना माना ही नहीं चाहिए, ये तो रेंडम उठा लिया ऐसे लगता है। रेंडम उठा लिया? हाँ जी सर। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति हो, मैंने जैसे बताया कि कोई धर्म गलत नहीं होता, लेकिन हर धर्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि मुसलमानों को बदनाम करें इस तरीके से, कुछ लोग हो सकता है शोभा यात्रा में भी इस तरह की कुछ हरकत कर दे वो हिंदू धर्म को बदनाम करें, लेकिन जो एक न्यायपालिका जो होती है, लोगों को एक उम्मीद रहती है इंसाफ की, लेकिन उससे पहले पुलिस के हाथ में बहुत कुछ होता है, पुलिस ही सब कुछ करती है, किसको गिरफ्तार करना, कैसे केस में डालना। पिछले कई सालों से कई ऐसे मामले आए कि पुलिस पर सवाल उठे हैं कई जगहों पर। सर उसका आइडिया नहीं है, लेकिन अजीज मेरी दुकान पे 7:45 तक था, उसको गिरफ्तार किया वो गलत है। वो गलत है, आप इस बात को 100%। अच्छा, कुछ ये बातें बताई जा रही है कि आपके जो CCTV फुटेज जो आए हैं, तो उसमें कुछ तारीख में आपके कुछ प्रॉब्लम है वहां पर आपके कैमरे में कि वो सेट नहीं होती, ऐसा कुछ भी होता है? क्योंकि जब ये एविडेंस के तौर पर कोर्ट में जाएगा तो ये मामला भी हो सकता है उठे कि इसमें तारीख कौन सी है क्या है। एक्चुअली बीच में मेरा कैमरा खराब हो गया था, तो उसमें रीसेट नहीं हुआ था, तो डेट आगे पीछे चल रही है। डेट आगे पीछे चल रही है। बाकी यहाँ पर था अजीज कल राइटिंग पर्सन, कल यहाँ पे 7:45 तक अजीज था। तो आपके ऊपर ही प्रेशर आ सकता है कभी, तो आप क्या करेंगे? सर प्रेशर आ सकता है, जो बंदा यहाँ पे था तो सच ही बताएंगे ना, झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। नहीं, आपको कभी कहेंगे नहीं प्रेशर आपके बिजनेस का, क्योंकि लोगों का आजकल डर भाई ये है कि हम गवाही देंगे कुछ तो हमारा धंधा बंद करा दिया जाएगा, इस तरह की भी धमकी लोगों पे होती है आजकल? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो सुबह को भी बोला था अगर जरूरत पड़े तो हम भी आएंगे साथ में बात करने के लिए कि वो मेरी दुकान पे था तो उसको किस हिसाब से उठाया गया है।
ठीक है तेज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ये ऐसे लोग भी हैं, और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि चाहे कोई भी मजहब का कोई क्यों ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, तो सब एक इंसान ही, और अगर किसी के साथ में गलत हो रहा है तो अगर आप उस नाइंसाफी के लिए अगर आवाज नहीं उठाते हैं तो ये मान के चलें कि अगला नंबर आपका होगा, चाहे किसी के भी साथ में, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, किसी के भी साथ में अगर गलत होता है तो इंसाफ के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। हितेश भाई ने अच्छी एक मिसाल पेश की, और जैसे मैंने उनको बताया, मैंने पूछा, क्योंकि नॉर्मली अक्सर ये होता है, क्योंकि मैं जब ग्राउंड पे भी जाता हूं, लोगों से इंटरव्यू लेता हूं, तो लोग इंटरव्यू देने से डरते हैं, बचते हैं, उनको डर लगता है कि पुलिस हमें परेशान करेगी, हमारे धंधे को बंद करवा देगी, कि तमाम लोगों के जहन में डर रहता है। लेकिन हितेश भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि जो इंसान यहां पर मौजूद था उसको गलत तरीके से फंसाया गया है, तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। तो हितेश भाई कहीं ना कहीं एक मिसाल पेश कर रहे हैं, भाईचारे की ये मिसाल सभी को जहन में रखनी चाहिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।